36 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। दूषित पानी को छोड़ने पर नगर निगम ने की कार्रवाई। आपको बता दें 1,47,00,000 रुपए की होगी वसूली। सिद्दीकी हसन खान तालाब में मिला रहे थे सीवेज। एनजीटी ने अस्पतालों पर जुर्माना लगाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल के 41 अस्पतालों को नोटिस जारी हुआ है। दूषित पानी को छोड़ने पर नगर निगम ने की है कार्रवाई। 1,47,00,000 रुपए की वसूली होगी इनसे। सिद्दीकी हसन खान तालाब में मिला रहे थे सीवेज। एनजीटी ने अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया। नीलम हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम, ऐसे 41 अस्पताल जिनको नोटिस जारी हुआ है, कौन कौन से वो अस्पताल हैं और पूरा मामला क्या था, वो भी विस्तार से एक बार बताइए। जी देखिए, ये पूरा मामला राजधानी भोपाल के नवाब सिद्दीकी हसन खां तालाब में सीवेज का जो पानी होता है उसको मिलाने का मामला था। इस क्षेत्र के आसपास बने हुए करीब 41 अस्पताल और नर्सिंग होम्स जो है यहाँ पर जो है दूषित पानी मिला रहे थे, जिसके बाद एनजीटी ने इन पर कार्रवाई करते हुए 1,47,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि जो है देने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद जो है नगर निगम भोपाल ने सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। करीब 1,47,00,000 रुपए की वसूली इन अस्पतालों से की जाएगी। ये अस्पताल जो है वो वार्ड 8 और 9 में बनाए गए हैं। और अगर इनकी बात करें तो इनमें जो है सारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सरदार पटेल पॉली क्लिनिक, नेचर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर जयंत यादव केयर एंड स्माइल डेंटल केयर, आस्था ऑर्थोपेडिक डे केयर, इस तरह की करीब जो है क्षेत्र के आसपास बने करीब 41 अस्पताल थे जो की लापरवाही भरा रवैया अपना रहे थे पर्यावरण के प्रति। और तालाब में जो है अस्पताल का जो दूषित पानी और कचरा होता है उसे मिला रहे थे, जिसकी शिकायत करने के बाद एनजीटी ने इस पर एक्शन लिया था। और अब नगर निगम ने सभी अस्पतालों को जो है जुर्माना भरने के लिए नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी रकम जो है सभी अस्पतालों से कुल मिलाकर की जो है 1,47,00,000 की वसूली जाएगी। बिल्कुल, कितने लंबे समय से ये जो पूरा खेल है पानी छोड़ने का, जो दूषित करने का पानी को, वो चल रहा था और कैसे यहाँ पर शिकायत मिली है? जी देखिए, बिल्कुल एक लंबे समय से जो है यहाँ पर अस्पताल जो अपना अस्पताल का दूषित पानी और जो कचरा होता है उसे मिला रहे थे। और इसकी शिकायत जो है कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पर की थी, जिसके बाद एनजीटी ने एक्शन लिया था। बिल्कुल, और सभी नर्सिंग होम अभी कार्रवाई यहाँ पर हो गई है फाइनली। बहुत शुक्रिया आपका नीलम।